हेलो दोस्तों, अभी हम बैठे हैं तो मारुति की ग्रैंड विटारा के अंदर। बात करें तो ये वाला इसका अल्फा प्लस वेरिएंट है। स्टीयरिंग से बात करें तो यहाँ पे आपको मोड चेंज करने का बटन इस तरफ, आपको उसका बटन कॉल पिकअप वगैरह का इस तरफ क्रूज कंट्रोल आ जाएगा, और ऊपर की तरफ आपको पैडल शिफ्टर का भी बटन मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ आप इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख सकते हो, ऐसा कुछ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर रहने वाला है। इस तरफ आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप और 360 डिग्री कैमरे का व्यू का बटन मिल जाएगा। हेडअप सॉरी डिस्प्ले की बात करें तो म्यूजिक इन्फोटेन की, तो 9 इंच का म्यूजिक इन्फोटेन मिल जाएगा आपको। ऑटो क्लाइमेट एसी के साथ साथ यहाँ पे आइडियल ऑन ऑफ का बटन, नीचे की तरफ 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, यहाँ पे आपको एक USB पोर्ट ऑटोमेटिक में है, ऑटोमेटिक के साथ साथ मैनुअल में भी आता है। फ्रंट डैशबोर्ड देख सकते हो आप, इसका फ्रंट डैशबोर्ड भी काफ़ी अच्छा है, और यहाँ पे भी थोड़ी सी ये क्रोम वाला एरिया देखो, ऊपर की तरफ ब्लैक रहने वाला है। सनरूफ है इसमें, काफ़ी अच्छा बड़ा सनरूफ आप देख सकते हो। यहाँ पे आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट और सॉरी आर्म रेस्ट, और यहाँ पे 2 कप होल्डर मैनुअल के साथ साथ ये वाला ऑटोमेटिक में भी आता है। और बैक से बात कर लेते हैं, यहाँ पे वीडियो बनाने नहीं देते, चलो मैं फिर भी बना रहा हूँ, लेकिन बैक से बात करते हैं हम, बैक में क्या कुछ है आइए देखते हैं। बैक से पहले विंडो पे देख लेते हैं हमें विंडो में क्या कुछ मिल रहा है। चारों विंडो पावर, यहाँ पे लॉक अनलॉक, और इसके साथ ही बैक से देख लेते हैं हमें बैक में क्या है। सेकंड रो की बात करें तो यहाँ पे एसी वेंट और नीचे की तरफ 2 USB पोर्ट, और यहाँ पे तीनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ साथ बीच में आर्म रेस्ट, आपको भी 2 कप होल्डर मिलने वाला है। मैं दिखा देता हूँ आपको कैसा आर्म रेस्ट है इसमें, ये देखिए 2 कप होल्डर के साथ आपको आर्म रेस्ट मिलने वाला है। पीछे की सीट की बात करें तो 60-40 में सीट आने वाली है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। 17 इंच के इसमें डायमंड कट अलॉय हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो, और इसके साथ ही इसमें 4 वेरिएंट। ग्रैंड विटारा के फ्रंट से बात करते हैं, फ्रंट देख सकते हैं ऊपर, यहाँ पे पूरा ग्रिल, यहाँ पे सुजुकी का लोगो, इसके साथ साथ यहाँ पे फॉग लैम्प के साथ साथ ये टर्न इंडिकेटर काम करेंगे। नीचे की तरफ हेड लैम्प, टेल लैम्प नहीं है इसमें, टेल लैम्प नहीं दिए गए। साइड से बात करें तो यहीं पे विंडो पर टर्न इंडिकेटर, यहाँ पे 360 डिग्री कैमरा के लिए कैमरा, साइड ग्लास एरिया देख सकते हो आप, इसका ग्लास एरिया काफ़ी बड़ा है। इस तरफ यहाँ पे आपको डोर पे रिक्वायर्ड सेंसर, बैक से बात करें तो यहाँ पे आपको टेल लैम्प के साथ साथ पूरी कनेक्टेड टेल लैम्प, यहाँ पे नीचे की तरफ रिफ्लेक्टर, और यहाँ पे टर्न इंडिकेटर और स्टॉप लैम्प, और इसके साथ यहाँ पे ग्रैंड विटारा का लोगो, यहाँ पे सुजुकी का लोगो, यहाँ पे रेन वाइपर, यहाँ पे डिफोगर, और ऊपर की तरफ सार्फिन एंटीना, और यहाँ पे स्पॉइलर के साथ साथ यहाँ पे आपको स्टॉप लैंप देखने को मिल जाएगा।